बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप क्लास लिखें, जो भी आपकी क्लास है एक्सरसाइज का EX ही लिख दें, जो सी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर लिखें, और अगर आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिख दें, और अगर आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर PTB लिख दें। आगे मैथ सर नदीम नंबर लिख के सर्च के बटन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक के पेज को भी लाइक करें और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। आप अब अगर कोई भी कोई बात पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आएं, और वहाँ पे कोई बात पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे पूछें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हौसला अफजाई करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आज की इस वीडियो में बेटा आपको हम HCF फाइंड करना सिखाएंगे। HCF दो मेथड से, दो तरीक़ों से निकाला जाता है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा डिवीजन मेथड है। तो इनके उर्दू में भी नाम बताए हुए हैं कि HCF को उर्दू में क्या कहते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन को मुफ्त तजी कहते हैं, और डिवीजन मेथड को तकसीम का तरीका कहते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF फाइंड करना सिखाऊंगा, और लेकिन इसमें तीन नंबर का HCF फाइंड करने का तरीका क्या है। तो जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें प्राइम जो नंबर्स हैं उनका पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कहते हैं किन को हैं। उर्दू में मुफरद अदाद कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा और वन, एक अपने आप से और वन के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। दूसरे अल्फाज में इसकी डेफिनेशन ये भी आती है कि ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ दो नंबरों से डिवाइड होते हैं, अपने आप से और वन से। तो दो नंबर इसमें कंडीशन होती है कि दो नंबर से डिवाइड होते हैं। तो ये सारे मुफरद अदाद हैं, प्राइम नंबर हैं, जिनको आपको याद रखना ज़रूरी है। तो जब भी बेटा जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाने हों तो सबसे पहले उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर इस मेथड से बनाए जाते हैं। इस तरह से जब 75 है तो 75 को आप देख लें कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, सारे नंबर्स को हम इस तरह डिवाइड कर लेना है। तो जैसे अगर स्टार्ट में इवन नंबर हो तो वो हमें पता ना 2 से डिवाइड होता है, तो लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होता। जो भी जेहन में आता है आप उसी से कर लें, लाजमी नहीं है कि आप किसी छोटे नंबर से करें। तो जिस तरह ये 3 से भी हो रहा है, या अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रही कि जिसका पहला जो डिजिट है वो अगर 0 हो या 5 हो तो वो 5 से भी डिवाइड होता है, आप 5 से भी कर सकते हैं। जो आपके माइंड में आ रहा है उसी से आप कर लें। तो लेकिन मैं अगर 3 से करता हूँ, 3 2 द 6 मानो बच गया, और 3 5 द 15। अब ये 25 सिर्फ 5 से होता है, 5 5 द 25 और 5 1 द 5। अब 50 है तो 50 को बेटा हम 5 से भी कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं, जिससे मर्जी कर लें आप। 2 से करें तो 2 को 25 से करें तो 50 होता है। अब जो 25 है ये सिर्फ 5 से होता है, 5 5 द 25, ये 5 1 द 5। एंड पे प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर जब आ जाए तो फिर उसी से वो डिवाइड होता है, किसी और से नहीं होता। अब इसके इधर 5 है, ये 5 से होता है, किसी और से नहीं हो रहा। अगर आप चेक करें ना, आपने चेक कर लेना सारे प्राइम नंबर के साथ 2 से 3 से 5 से, इस तरह बारी बारी आगे को बढ़ना होता है। तो अब ये 5 से किया तो 5 2 द 10, 2 बच गए, 25, और 5 5 द 25। अब फिर ये 5 से होगा, 5 5 द 25, 5 1 द 5। अब इन तमाम फैक्टर्स को हम इस तरफ लिख लेंगे। तो अब बेटा 75 के सामने 75 के फैक्टर लिख दिए ये वाले, और 50 है तो 50 के सामने 50 के फैक्टर लिख लिए ये वाले, और 125 के सामने 125 के फैक्टर लिख लिए। अगर ये फैक्टर बाद हुआ हमने ये भी तो मैंने तरतीब से लिखी है ना, बाद हम अगर स्टार्ट में 5 से डिवाइड कर देते, 2 से बाद में करते, तो फिर बेहतर होता है कि हम इनको जब यहाँ पे लिखें तो हम तरतीब से लिखें कि छोटा नंबर पहले और बड़े नंबर बाद में, तो ज़रा आसानी आ जाती है। अब देखें कि इन तीनों जो फैक्टर आए हैं, तीनों फैक्टरों में कहाँ कहाँ पर फैक्टर आपस में कॉमन है, तीनों में एक जैसे हैं। एक ये 5, फिर ये 5 भी तीनों में कॉमन है, और फिर तीनों में कोई नंबर भी कॉमन नहीं है। तो HCF में जितने नंबर्स का HCF फाइंड कर रहे हैं उन सारे नंबरों में वो नंबर कॉमन होना ज़रूरी है, एक जैसा, वो सारे नंबरों, वो सारे फैक्टर में एक जैसा नंबर होना ज़रूरी है। तो अब देखें इसका हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक तो लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख दें HCF इक्वल टू, ये जो कॉमन आया इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई, ये जो कॉमन आया इसको एक दफ़ा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 5 5 द 25, ये बेटा इसका HCF आ गया। हम इसको एंड पे इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ आपको। तो एंड पे इस तरह की स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं,
HCF ऑफ, ये तीन नंबर थे जो क्वेश्चन में दिए हुए थे, 75, 50 एंड 125 इज 25, क्योंकि HCF 125 है, इसका 25 है। तो हम जिस मेथड से मर्जी करेंगे आंसर हमेशा सेम आता है।